जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उसमें समीदा पीरजादा, कमाल अहमद अजीम, तलत हुसैन, शफी उमर शाह, उमर शरीफ, मईन अख्तर, नैना जाफरी, हसीना मोइन, फातिमा सरिया बच्चिया, सहर अंसारी, इस तरह के लोगों के दरमियान में जब हमने काम किया ना तो हमने इनसे सीखा। और ये वो शख्सियतें हैं जो कुछ इसमें से जिंदा शख्सियतें हैं मखदूम साहब, के उस शख्सियतों ने की वजह से अभी भी कुछ थोड़ा बहुत इकदार जो है ना वो कायम है, जो जिंदा लोग इसमें मौजूद हैं वो लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे प्रोफेसर सैयद अंसारी को, डॉक्टर पीरजादा कासिम को, या हमारे अगर आप लेजेंड्स में आ जाइए तो आप पी एस सी सी उनका प्रोग्राम करने जा रही है, एम ए फाइन जैसे लोग। देखिए आदमी की दिल से कदर कैसे होती है, किस तरह लोग उनको मानते हैं। मानते ये है कि आतिफ असलम अली जफर, अभी आपसे बातचीत हो रही थी, अली जफर, आतिफ असलम, नुसरत फतेह अली, बहुत मांग है इनकी, इनकी बहुत मांग है, नए सर इनके पीछे भागते हैं, इनके किसी प्रोग्राम में इनको अगर अनाउंस कर दिया जाए। मैंने तो नुसरत का प्रोग्राम नहीं किया, मैंने आतिफ का प्रोग्राम नहीं किया, मैंने अली जफर का प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन मुझे इन्विटेशन आई है, मैंने प्रोग्राम देखे, उसमें नई नस्ल जिस तरह से भाग भाग के और उसको उनके ऊपर एक वस्त कैफियत तारी होती है और वो भागते हैं उसके पीछे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि वो नई नस्ल के लोग जो हैं उनके साथ तस्वीरें बनवा के बहुत खुश होते हैं। लेकिन आप इस बात का इतराफ करेंगे भी नहीं करेंगे कि आज भी हम, हमारे बच्चे, मैं खुद, हमारी बीवी, आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे, वो लीजेंड्स जो आप भी लीजेंड्स में शुमार होते हैं, चाहे रेड फ्लाइंग हो, चाहे सैर अंसारी हो, चाहे डॉक्टर पीरजादा कासिम हो, इस तरह के लोगों के साथ तस्वीरें बनवा के फख्र महसूस करते हैं ये दिलों के। आपने काफ़ी मारूफ शख्सियात के नाम लिए, मेरे इल्म में ये भी है कि आपने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कबीर के साथ भी ये किसी प्रोग्राम में आपके चीफ गेस्ट थे, या आप उनसे आपकी मुलाकात रही है, और उस मुलाकात का हवाला मैं समझता हूँ क्योंकि आप भोपाल फोरम के भी रूह रवा हैं और डॉक्टर कबीर जो थे वो भोपाल से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए वो आपके प्रोग्राम में, जैसा सेनेटर हसीब साहब जो हैं वो भी भोपाल से हैं तो वो भी आपके प्रोग्रामों में इस रिश्ते के ही हवाले से भी आते हैं कि उनका भी ताल्लुक भोपाल से है। तो डॉक्टर कदीर के साथ जो आपकी मुलाकात रहती थी और इस प्रोग्राम में, मतलब उसको ही ऐसा वाकया डॉक्टर कदीर, क्योंकि हमारे मुल्क का हर फर्द डॉक्टर कदीर को मोहसिन पाकिस्तान कहता है, मानता नहीं। देखिए बात असल में ये है कि वही बात जो मैंने इससे पहले आपसे कही थी कि दिलों पर गुमरानी किसकी होती है। आपने सिर्फ भोपाल फोरम का हवाला दिया, कदीर खान साहब का हवाला दिया कि वो भोपाल से उनका ताल्लुक था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से बहुत से लोग दावा करेंगे कि हम मुझके बहुत नज़दीक थे, लेकिन दो तीन लोग थे जो मुझसे बहुत नज़दीक थे इस शहर आया, उसमें एक मेरी अहलिया शगुफ्ता फारूक, दूसरे थे हैं सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब, और तीसरे जो है जिससे जिनका इंतकाल हो गया, कमाल महमूदी साहब का नाम था, उनके दोस्त थे। कोई ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि कदीर खान कराची आए हो डॉक्टर साहब और उन्होंने हमें ना बुलाया हो, रास्ते पर बुला ले, खादे पर बुला ले, और उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी रही है। वही बात मैंने आपसे कही है कि एक साहब का मैं तस्करा करूंगा आपसे, जिनके जनाजे में 10 लाख आदमी जो है लाहौर में मौजूद था, ये खान साहब ने मुझे खुद बताया, मैं
का प्रबल खुदबन है। ये मोहम्मदी सोसाइटी जो है, इस मोहम्मदी सोसाइटी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की हमशीरा वहाँ आ रहती थी, उनका भी इंतकाल हो गया तो डॉक्टर साहब का वही ख्याल होता था। तो उन्हीं के करीब ही एक साहब जो बहुत अच्छे बड़े मारूफ सनतकार हैं, इस वक्त मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कदीर खान साहब से कहा कि आपसे खादिम हुसैन रिज़वी मिलना चाहते हैं। तो खान साहब ने हंस के कहा कि यार वो आलिम आदमी आपसे क्या मिल के करेंगे भाई, कह रहे वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहा ठीक है किसी नाश्ते में आ जाओ, बुला ले आ जाओ। तो ये बात तो कदीर खान ने मुझे बताई कि वो खादिम हुसैन रिज़वी साहब बुल्ले को कहा था, जो लोग वहां शरीक थे उस नाश्ते में, उसने कदीर खान साहब से खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने कहा कि खान साहब लोग मेरे हाथ चूमते हैं, मैं आपका हाथ चूमना चाहता हूँ। बड़ी कमजोर शख्सियत थी कदीर खान। कदीर खान के साथ बड़ी दानसाफियाँ हुई हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि मेरी अहलिया और मेरे हवाले से है, ये कि जब मेरी बेगम ने तस्करा शख्सियात भोपाल तरतीब दी, जिसमें 170 मुशायर का जो जिनका ताल्लुक भोपाल से है उसका वो बना रही थी, और हमने एक तकरीब निशाने से पास रखी थी, उस तकरीब निशाने से पास में डॉक्टर कदीर खान साहब को, ये 96 की बात है, तो कदीर खान साहब को भी हम निशाने से पास हमने देना था जिसमें भोपाल से वाबस्ता लोगों का, तो उसमें वो नहीं आ सके तो अपने भाई अब्दुल कय्यूम खान साहब को भेजा था कि वो उनका निशाने से पास का अवार्ड वो नहीं, तो वहीं पर ये तस्करा हुआ था कि ये किताब आने की तैयारी है। तो उन्होंने शुगुप्ता को टेलीफोन किया और शुगुप्ता को फोन करके कहा कि अभी ये किताब जो है बड़ी बहुत अच्छी है, अपनी कोशिश है, और जब ये किताब कंपाइल हो जाएगी तो मैं इसकी किताब को लॉन्च करने के लिए खुद आऊँगा यहाँ। तो वो किताब जो है वो तैयार हुई और कदीर खान साहब ने उस किताब को के लिए तकरीब रहनुमाई में तशरीफ लाए, जिसमें वो खुद उन्होंने खसूसी थे और हमारे एक मरदा थे, हमारे एक सदारत कर रहे थे मोहम्मद अहमद सजवारी, जिसके साथ खैरी डॉक्टर पीरज़ादा प्रोफेसर सैर अंसारी साहब वगैरह उर्दू कॉलेज में के ऑडिटोरियम में कदीर खान ऑडिटोरियम में इसकी लॉन्च हुई किताब, और उस ऑडिटोरियम में पावर एक्टर की जगह दी थी, उसमें खान साहब तशरीफ लाए थे। तो ये हमारे लिए एजाज की बात है कि कदीर खान साहब उस किताब के सिलसिले में तशरीफ लाए, और यकीन माने कि मैंने तो ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जो अपने वतन और अपने अपने जहाँ से उसकी पैदाइश हो उससे वापस वो भोपाल से वाले आला इश्क़ अभी आपने अपनी अहलिया का जिक्र किया शगुफ्ता फरत साहिबा, वो भी हमारे शहर की एक बहुत मारूफ शख्सियत है, और ज़्यादातर प्रोग्राम या तकरीबन सारे प्रोग्राम आप दोनों मुश्तरका करते हैं, तो आप अपनी अहलिया हमारी भाभी के साथ प्रोग्राम करने में कंफर्टेबल होते हैं या आपको समझौता करना पड़ता है उनके साथ मिलकर प्रोग्राम करने में, क्योंकि हर प्रोग्राम में हम आपको उनकी और उनको आपके शाना बशाना ही देखा है। देखिए मधुब साहब, बात असल में ये है कि अल्लाह ताला इज्जत देता है, लेकिन अगर आदमी अपनी इज्जत को ख़राब करने पर खुद आ जाए तो फिर अल्लाह भी अभी शहदा कर सके करने में तो हर चीज़ पर खातिर है, लेकिन अगर आदमी खुद ना है। दो मियां बीवी का शहर में मिल के काम करना बहुत बड़ा एक मरहला होता है, अपने इरदार को भी कायम रखना, अपनी इज्जत को भी कायम रखना। तो मैं समझता ही हूँ कि लोग कहते हैं कि एक मर्द के एक औरत के कामयाबी में उसके मर्द का हाथ होता है,
कि मैं समझता ही हूँ कि किसी मर्द की कामयाबी में उसकी औरत का भी प्रभाव है। ये हम दोनों अभी बीवी जो हैं वो मुझे बहुत सी चीज़ों में गाइड करती है, बहुत सी चीज़ों में मुझे रोकती हैं कि यहाँ तो ये जुमला वहाँ नहीं देना चाहिए था, ये बात आपको वहाँ नहीं करनी चाहिए। तो ये सब तो आपके जुमला देने के बाद कहती होंगी, जुमला तो आप दे चुके होते हैं। फिर बाद में एहतियात होती है ना, बाद में एहतियात होती है। अब मिसाल देता हूँ कि मैं पी सी सी के भी प्रोग्राम कर रहा हूँ, कहाँ पर पी एस सी से प्रोग्राम है,